किया जा रहा है और ये 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई घनिष्ठ प्रिय भाई भूपेंद्र शर्मा मालोनी से आशीर्वाद की कामना करूंगी। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता आदरणीय हमारे चाचा श्री पंडित रोहतास डीजे साउंड सभी जनोत्तर से ढोलक पर संगति कर रहे हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई उपेंद्र सिंह टिटवारी भरतपुर राजस्थान से झीके पर प्यारी सी झनकार दे रहे हैं आदरणीय हमारे चाचा श्री बदन सिंह अभौरा भरतपुर राजस्थान से पेड़ पर मीठी मीठी झनकार दे रहे हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई मुरारी भैया देवेनगरा छोंक मथुरा गोवर्धन यूपी उत्तर प्रदेश से आपके समक्ष एक छोटी सी बच्ची छोटी सी कलाकार कुमारी प्रीति लखनपुर से आइएगा लीजिएगा एक और धमाका। छोरी को नंबर पीछे ही पीछे आया हुआ है लेकिन चाचा जी वो कहते हैं ना कि संगीत वो शक्ति है, कहा क्या कि संगीत वो शक्ति है और हर स्वर में बसे राम, रागी कर सुनाए रागिनी तो रोगी को मिलता है। चाचा जी आप जैसे बुद्धिजीवियों ने अपनी कलम को उठाया है, माँ बाप और संतान के बारे में सुझाव दिया है, गौर करेंगे कैसे कि वेद शास्त्र सभी कह रहे और माँ बाप इसी बनी काली कोई न पाया है, हर युग में कास्टी पड़ो तेने बिरता ही दोस कि संतान पे जब जब कास्टी पड़ो और माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया है और माँ बाप पे जब जब कास्टी पड़ो बंदे तन पानी तक नहीं। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, दोनों हाथों को खड़ा करके जिब्बा को पवित्र करते हुए बोले बाके बिहारी लाल की, बोले श्याम बाबा की। चाचा जी बड़ा ही आनंद आ रहा है इस प्रोग्राम में, लेकिन चाचा जी ये मनुष्य न जाने कितना गुरूर कितना अभिमान कितना घमंड लिए बैठा है, सोचता है और कहता है कि मैं ही हूं और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन हे मूर्ख इंसान ये तेरा तन भी नहीं है। लेकिन आइएगा हमारे कवि महाराज मनुष्य को चेतावनी दे रहे हैं, चाचा जी गौर करेंगे शब्दों की ओर, ये नहीं कि लामनी कर आए और घर चले गए, एक एक शब्द आपके समक्ष गौर करेंगे कैसे कहां? अरे सोच जरा सोच जरा सोच जरा मानव, अरे सोच जरा मती वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा
जय राधे। मेरे नंबर पर पैसा भी दिखे हाँ। सोच जरा है आशीर्वाद की कामना करूंगी। लेकिन मामा जी इस दुनिया में इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, क्योंकि जो भी इंसान झूठ सांस से कुमाता है ना चाचा जी, तो ये धन यहीं पर रखा रह जाएगा। नाम बोल दो, सब नाम का है। विश्राम सिंह गारोली वाले हमें कैमरों रुपए से सम्मानित करते हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगी। 10 रुपया कमे 50 में 10 रुपया कमे। हाँ जी, अब पूरे हुए। और ये 101 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय हमारे मामा श्री, आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा धन्य और दौलत, धन्य और दौलत, धन्य और दौलत। छोड़ो तो मन ना ध्यान कर लियो। धन और दौलत मालिक जाना साथ कोई ना जाएगा। धन और दौलत मालिक जाना साथ कोई ना जाएगा। और जिस दिन तेरा दम निकलेगा, बहुत अच्छे, जिस दिन तेरा दम निकलेगा, जिस दिन तेरा दम निकलेगा, जिस दिन तेरा दम निकलेगा, हंस अकेला जाएगा। सोच जरा याद रखना, वो कहते ना कि मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो, कि मन की आंखों से और प्रभु का दीदार करो। दो पल का अंधेरा है, सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर भाव में, क्या रखा है और आपस के बैर भाव में। ए मेरे सजनों, और थोड़ी सी जिंदगी है, बस हर किसी से प्रेम। और चाचा जी मेरा प्रसंग उस समय का है। हाँ जी, कवारे बाबा आराम से पीले में यू ना कहो, हुक्का मत पियो, ना को मैं खूब ही धुआं निकाल रहे। लेकिन चाचा जी मेरा प्रसंग उस समय का है जब दुर्योधन महाभारत के युद्ध में अकेला रह जाता है। हाँ चाचा जी, आज जैसे अकेला रह जाता है तो मां गंधारी के चरणों में आकर के रोने लगता है, चीखने लगता है, बिलाप करने लगता है। कहता है कि कैसे लड़ूं अकेले रण में, हे मां कि कैसे लड़ूं और अकेले रण में, और मेरी एक पेशना खावेगी
और रण खेतन में ओ मैया वीर रण की याद मोए शो कलश मर में मैया मेरी शो कलश मर में और मैया मेरी वो नैया पार उतारे और मेरे टीस जिया में आ चाचा जी इधर में मगंदहरी से वो राजा दुर्योधन आज रो रहा है गौर करेंगे कैसे रो रहा भैया आज राजा दुर्योधन को
माँ गंधारी मीठा मीठा चौक आ रहा है, और कैसे समझा रही है गौर करेंगे। और ये 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय हमारे बाबा साहब, आशीर्वाद की कामना करूंगी। आज चौक में माँ गंधारी समझा रही है। अरे मत रो बात नहीं होती है तो वो प्रोग्राम प्रोग्राम नहीं होता है, सफल नहीं होता है। लेकिन चाचा जी, बाबा साहब शांति बना रखे। आपने सुना होगा कि 14 फरवरी को 44 जवान शहीद हो गए थे, उनमें से एक जवान भाई जीतराम गुर्जर नगर तहसील गांव सुदरावली कर रहे ने बलाए चाचा जी। आज उसकी डेड बॉडी
सारे परिवार वाले रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, बिल्ला फुकड़ने लगते हैं। चाचा जी, पहले तो मेरा देश अंग्रेजों की जंजीरों की गुलामियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन आज मेरा देश कुछ ऐसी कुरीतियों में जकड़ा हुआ है जो कि कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाचा जी, वो कुरीतियां कौन सी हैं? राजनीतिकता, कन्या भ्रूण हत्या, महिला अत्याचार, मृत्यु भोज, भाई भाई के प्रति ईर्ष्या। लेकिन चाचा जी, लोग कहते हैं कि मेरा देश आजाद है, आजाद है। मेरे देश को आजाद हुए तो 74-75 वर्ष हो चुके हैं। सन 1947 15 अगस्त को मेरा देश आजाद हो गया था। सन 1950 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया था। लेकिन चाचा जी, उसकी पत्नी कहने लगती है कि प्यार भी भरपूर गया। कहा क्या? कि प्यार भी भरपूर गया और मांग का सिंदूर गया। नन्ने नन्ने ननहालों की लंगोटियां चली गई और छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। और तुम्हारे लिए तो एक आदमी मरा है शहाब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। लेकिन चाचा जी, आए दर में उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बेटी आज रो रो करके जवाब कर रही, गौर करेंगे कैसे हैं। चाचा जी, देश हमारा इन कुरीतियों से आजाद नहीं है, आइएगा। और ये कैसी कट गए शीश जवानों के और हिल गए दिल इंसानों के। कट गए शीश जवानों के और हिल गए दिल इंसानों के। ओढ़ के तिरंगा, ओढ़ के बच्ची है 2.5 साल की। चाचा जी, अच्छी तरीका से बोलना भी नहीं जानती है। निवेदन है छावो इच्छा मत बांटो। अरे बाबा, उसकी बेटी कहने लगती है कि हे माँ, पहले तो मेरे पिताजी आते थे तो मेरे को गले से लगाते थे, मेरे को खाना खिलाते थे, मेरे को प्यार करते थे, मेरे को लाड़ करते थे माँ। लेकिन आज मेरे पिताजी इतना शोक क्यों रहे माँ, आज कह रही है, गौर करेंगे कैसे है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा श्री देते हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहने लगी वो बेटी, घर घर में बोली बिटिया मम्मी पापा जा।
क्यों नहीं खोल रहे तो पत्थरों के दिल भी रो गए। कविता करके कविता नली तो क्षेत्रवा